श्री श्री हाथी खेदा ठाकुर की जय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोग को श्री श्री हाथी खेदा मंदिर के बारे में बताएंगे। यह मंदिर झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिला जमशेदपुर से 30 किलोमीटर दूर एक गांव लावजोरा में स्थित है, जो कि पटमदा ब्लॉक में आता है। ठीक है, वीडियो में बने रहिए, हम आपको आगे दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको जो भी मन्नतें मांगते हैं वो ज़्यादातर लोग भेड़ की बलि देते हैं और भेड़ आपको यहीं पर मिल जाएगा। ये इस तरह का गेट है बाहर, जो कि अभी बन ही रहा है और काफ़ी सुंदर बन रहा है। इसको ऊपर से आप सीढ़ी से चढ़ते हुए देख सकते हैं। ये देखिए लोगों का भीड़ यहाँ पर, पूजा स्थल ये, यहाँ पे पूजा होता है। अब यहाँ पे लोगों को फ़ोटो खींचना मना है। ये जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये पुराना वीडियो से लिया गया है। यहाँ पे आप फ़ोटो नहीं खींच सकते हैं। इस जगह पे पूजा होता ही होती है और लोग जो भी जाते हैं वो माथा टेक के यहाँ से पार हो जाते हैं। देखिए एक लाइन इस तरह से जाती है। आपको हर तरफ ये जितने भी नारियल दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे लाखों की संख्या में नारियल हैं, हर एक जगह में बांधा हुआ रहता है। ये लोगों अपनी मन्नत जो भी रखते हैं वो वहाँ पर नारियल बांध देते हैं और मन्नत पूरी होते ही नारियल कोई भी एक नारियल को खोल देते हैं। ये देखिए वहाँ का जो बाज़ार है, बहुत तरह के होटल दुकान सभी कुछ हैं। पार्किंग की भी सुविधा बहुत अच्छी है यहाँ पर। बहुत बड़ा जगह है, पूरा गांव ही है, खाली एरिया है। ठीक है, और किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। आपको लगभग मेला जैसा एकदम महसूस होता है। इस मंदिर की कुछ खास बातें हैं, जैसे कि यहाँ आप जब पूजा करने के लिए आते हैं तो आपको यहाँ दो तरह के प्रसाद मिलती है, एक मन्नत वाली और एक बिना मन्नत वाली। आपको जो चाहिए आप बोल दीजिए। और यहाँ भेड़ों की बलि दी जाती है, जो कि आपको वहीं पर मिल जाएगी। आपको इधर उधर ढूंढने का भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और उस जो भी प्रसाद होता है उसको वहीं पर खाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। और एक ख़ास बात यह है कि यहाँ का जो प्रसाद है वो महिला लोगों को नहीं खाने के लिए बोला जाता है। मंदिर का प्रसाद को सिर्फ पुरुष जो होते हैं वही खा सकते हैं। यह मंदिर कैसे बना, ये लोगों का कहना है कि यहाँ पे पहले हाथियों का बहुत ही उत्पात होता था, तो यहाँ पे किसी ने हाथी की मूर्ति बना के उसकी पूजा शुरू कर दी। उसके बाद से यहाँ पे चमत्कार हो गया और हाथियों ने यहाँ आना ही बंद कर दिया। उसके बाद लोग यहाँ पूजा करने लगे और सबकी मनोकामनाएं पूरी होने लगी। और यहाँ जो भी मन्नत करते हैं उन्हें दोबारा यहाँ जाना ही पड़ता है, क्योंकि मन्नत का जो नारियल वहाँ पे बांध के आते हैं, मन्नत पूरी हो जाने पर वो कोई भी एक नारियल को वहाँ पर खोल देते हैं। यहाँ आने के बहुत से रास्ते हैं। लोग बंगाल, उड़ीसा, बिहार, हर एक जगह से आते हैं लोग यहाँ पे। और पहले सड़क की थोड़ी सी परेशानी थी, अच्छा सड़क नहीं था, लेकिन अब सब कुछ अच्छा है। इस तरह से लोगों को जो बलि या खाना वाना बनाने का सुविधा है, यहाँ पे आराम से आप बैठ सकते हैं कहीं पर भी। इस तरह का देखिए गाड़ी, बड़ी बड़ी बसें भी यहाँ पहुँचने लगी हैं। अंत में फिर से श्री श्री हाथी खेदा ठाकुर की जय। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए कैसा लगा। इस मंदिर के बारे में आपके क्या विचार हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।